हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। हम पढ़ रहे हैं आईटी लिटरेसी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी या कंप्यूटर लिटरेसी आप उसको कहें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझा, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरीज, स्टोरेज डिवाइसेस और एसएमपीएस, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलूँगा। पर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, पूरा घर बन गया, पर क्या घर बनने से हमारा कोई सिस्टम बना? बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए, बेड होने चाहिए, किचन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होगी, कहाँ पर उसको रखी जाएगी। अगर मान लीजिए हमने सारे घर के स्विचेस जो हैं वो घर के बाहर एक साथ हमने सारे स्विचेस वहाँ लगा दिए, अब अपने कमरे से निकल के जाओ, उसको ऑन करो, ऑफ करो, कोई सिस्टम नहीं है। हर घर का एक सिस्टम होता है, हर कमरे में कौन कौन सी चीज़ किस कमरे में आएगी, क्या कैसे वो प्रेजेंट होगी, कैसे वो दिखेगी, कहाँ रखी जाएगी। इसी तरह हर शॉप का अपना एक सिस्टम होता है, हर इंडस्ट्री का अपना एक सिस्टम होता है। खाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे फाइल एक्सेस होंगी, कोई नया प्रोग्राम उसमें अगर लोड करना है तो कैसे लोड होगा, उसको कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक यूज़र को जो उस कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको डिस्प्ले पे कैसे दिखना चाहिए, कोई प्रिंटर हमें ऐड करना है कंप्यूटर के साथ तो कैसे ऐड होगा, उस तक निर्देश कैसे जाएंगे, ये सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो नाम है कंप्यूटर के लिए वो है विंडोज़, आपने सुना होगा विंडोज़। इसके अलावा डॉस में भी काम होता है, और यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने मोबाइल फ़ोन में सुने होंगे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उसमें अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको iOS कहते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और वो जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त हो, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या काम करता है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कोई प्रोग्राम आपको शुरू करना है, वो कैसे एक्सेस होगा, मतलब उस तक कैसे पहुँचेंगे और शुरू करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ हम, कोई फाइल हम नहीं बनाते हैं उसको कहाँ स्टोर करेंगे, उसकी स्टोरेज की सारी के सारी तरीके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। कोई प्रिंटर है, कोई पेन ड्राइव है, कैमरा है, अगर उसको अटैच करना है हमारे कंप्यूटर के साथ तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताएगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जिम्मेदारी है कि कैसे होगा। किसी नए प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर लोड करना है, ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में किस कैटेगरी में आएगा? सॉफ्टवेयर में आएगा, करेक्ट। तो इसके बाद हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पर और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, हमारा विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कंप्यूटर में ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, और ये जो आपके सामने पहली स्क्रीन खुलती है इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डेस्कटॉप एक कंप्यूटर सिस्टम को भी कहते हैं, एक तो लैपटॉप होता है और एक डेस्कटॉप होता है, आपकी स्क्रीन पर उसकी फोटोग्राफ भी आ रही है। लेकिन विंडोज़ की जो पहली स्क्रीन खुलती है, ये जो स्क्रीन आपके मॉनिटर पे, डिस्प्ले पे आ रही है, ये है आपका, इसको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप में दो हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर का हिस्सा, इसको वर्क स्पेस कहेंगे, और नीचे आपको एक ये बार दिखाई दे रहा होगा अलग से, इसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार, टास्क मतलब कार्य, बार मतलब पट्टी, एक ऐसी पट्टी जो इस समय होने वाले सारे कार्य को प्रदर्शित कर रही हो। और इसके लेफ्ट साइड पे एक स्टार्ट बटन होता है, बॉटम लेफ्ट साइड पे एक स्टार्ट बटन होता है, और जब हम इस स्टार्ट बटन पर माउस के लेफ्ट साइड वाले बटन से क्लिक करेंगे तो ये ओपन होती है। इसमें इस तरफ आपने जिन प्रोग्राम्स को यूज़ किया है उनकी एक लिस्ट यहाँ आती है, उसके नीचे यहाँ ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स यानी कि सॉफ्टवेयर्स अपलोडेड हैं उनकी एक पूरी लिस्ट इसमें आती है। उसके नीचे एक सर्च बार है, आपको किसी फाइल को या किसी वर्ड को अगर आपको
सर्च करना है पूरे कंप्यूटर में, तो यहाँ पर आप उस फाइल का नाम लिख सकते हैं और वो सर्च हो जाएगी। इसके इस तरफ वाले हिस्से में ये कैटेगरी हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई ढूंढना है तो आप इस आइकन को क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। उसके नीचे पिक्चर, म्यूजिक, गेम, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, ये अलग अलग कैटेगरी हैं जिसमें आप जा सकते हैं और किसी भी फाइल को आप खोल सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस हिस्से के सबसे लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है शटडाउन। जब हम कंप्यूटर को क्लोज करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उसको हम शटडाउन कहते हैं। इस बटन को क्लिक करने से हमारा कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। रीस्टार्ट करना है, स्लीप करना कहते हैं कि अगर काम नहीं करे तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाए ताकि हमारी बैटरी ज़्यादा खर्च ना हो, और शटडाउन तो शटडाउन है ही, वो आपके कंप्यूटर को ऑफ कर देगा। तो हम स्टार्ट बटन के बारे में हमने समझा। अब बाकी ये जो टास्क बार है इसके बारे में समझते हैं। ये जो नीचे एक पट्टी है, इस टास्क बार पे जितने भी आपने आइकन पिन किए हुए हैं, पिन मतलब ये वो आइकन होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप में वेब ब्राउजर्स हैं, ऑटोकैड है, सॉलिड वर्क्स है, पीडीएफ है, वर्ड, एक्सेल और ये प्रिंटर के कुछ डिवाइसेस हैं, ये पिन किए हुए हैं या ये ओपन हैं। इस पूरी पट्टी पर जो भी आपके सॉफ्टवेयर इस समय प्रयोग हो रहे हैं वो हाइलाइटेड होंगे। उनके ऊपर आप जाएंगे तो जैसे इस समय एक्सेल की 3 फाइल्स खुली हुई हैं, ये 3 फाइल्स एक्सेल की खुली हुई हैं। आप जिसको भी एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो, दूसरी फाइल को एक्सेस करना चाहोगे दूसरी फाइल एक्सेस हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जो डेस्कटॉप पे फाइल्स हैं इस समय, फाइल्स या फोल्डर्स हैं, क्या ये वाकई यहाँ हैं, इस स्क्रीन पर हैं? यहाँ पर तो कोई स्टोरेज नहीं है, हमारी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क में है। इसका मतलब ये डेस्कटॉप हमारे हार्ड डिस्क में कहीं सेव होगा। ये सारी फोल्डर्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सिर्फ, ये यहाँ नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्टोर्ड होंगे। आइए ढूंढते हैं कि वो कहाँ होंगे। ये डेस्कटॉप आपको मिलता है आपकी हार्ड डिस्क की सी ड्राइव में, यूज़र में, जो भी आपके कंप्यूटर का नाम है, जैसे मेरा कंप्यूटर डेल का है, उसमें जाएंगे तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। आमतौर पर डेस्कटॉप को क्लीन रखना चाहिए, सी ड्राइव में बहुत सारी चीज़ों को सेव नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है अगर कंप्यूटर खराब होता है तो। जिनको हम बार बार प्रयोग करते हैं, अपलोड करनी पड़ती है या उन प्रोग्राम्स को बार बार एक्सेस करना पड़ता है, उन फाइल्स को खोलना पड़ता है, तो उनको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं या उनका एक शॉर्टकट, जैसे आप इस समय इस की को देख रहे हैं, इसमें एक ब्लू कलर के एरो का निशान लगा रहता है, ये शॉर्टकट है। मतलब ये सिर्फ एक आइकन है और ये उस प्रोग्राम को वहीं से एक्सेस करवा देगा जहां पर वो स्टोर्ड है, वो सी ड्राइव में है। और नीचे जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये यहाँ पर पिन किए हुए हैं, ये सिर्फ उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करवाएंगे, उसके बाद आपको फाइल्स खोलनी पड़ेगी उन सॉफ्टवेयर में लिखी हुई। मान लीजिए कोई वर्ड की फाइल है, डॉक्यूमेंट की फाइल है, तो आपको पहले वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी एक फाइल को खोल सकते हैं, जो भी आप फाइल खोलना चाहें। सपोज ये कोई फाइल मैंने वर्ड की खोल दी। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज क्यों पड़ा? ये सारे के सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर इसमें काम करते हैं, ये छोटी छोटी विंडोज की तरह आप इनको देख सकते हैं। हर प्रोग्राम अपनी विंडो में काम कर रहा है। जिस भी विंडो पे आप काम कर रहे होंगे वो एक्टिव विंडो होगी और उसका बटन यहाँ पर नीचे टास्क बार में थोड़ा हाइलाइटेड होगा बाकी सब बटन्स के मुकाबले। जो भी आपकी एक्टिव विंडोज होंगी वो हाइलाइटेड होंगी और जिस विंडो में आप काम कर रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा चमक रही होगी। अब वर्क स्पेस जो हमारी है उस पर कैसे काम करते हैं जरा उसकी भी बात कर लें। उसकी बात करने के लिए आपको मैं अपना ये माउस दिखा रहा हूँ। इस माउस में 2 बटन, राइट वाले बटन को हम जब भी दबाएंगे तो हमारे पास एक मेन्यू खुलता है, ये मेन्यू। चलिए इस मेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है व्यू और मैं इसके जो आपके ये जो आइकन है ये छोटे छोटे शायद आपको ना दिख रहे हो, मैंने इनको बड़ा कर दिया। और भी बड़ा कर सकते हैं हम इसको, इसको लार्ज आइकन्स में भी बदल सकते हैं, ये बड़े बड़े भी हो सकते हैं, पर इतना भरा भरा डेस्कटॉप मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको छोटे में ही रखता हूँ।
अगर हम अपने डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, फोल्डर उसको कहते हैं जिसमें हम एक उस कैटेगरी की बहुत सारी फाइल्स रख सकते हैं। मान लीजिए मैं ITI नाम का एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने एक ये मेन्यू खुलता है। इस मेन्यू में न्यू पर जाऊंगा और न्यू में सबसे ऊपर जो फोल्डर है उस पर क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप विंडोज जो है एक नए फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किसी भी नए फोल्डर को जब क्रिएट किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम आता है, उसका नाम आता है न्यू फोल्डर। और अगर आपने यहीं दूसरा कोई फोल्डर बनाना चाहा, कोई दूसरा न्यू फोल्डर, तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर 2 आएगा, अगले का नाम न्यू फोल्डर 3 आएगा। फिलहाल हमें सिर्फ एक ही फोल्डर की जरूरत है, तो मैं एक फोल्डर को डिलीट कर देता हूं। तो ये हमारा न्यू फोल्डर है, इसका नाम मुझे रखना है ITI। फिर मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करूंगा और नीचे रीनेम लिखा हुआ है, रीनेम में जाके इसका नाम मैं ITI टाइप कर दूंगा। तो ये हुआ हमारा नया कोई फोल्डर बनाने का तरीका। नए फोल्डर के अलावा न्यू ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस बना सकते हैं, बिटमैन इमेज बना सकते हैं, जिसको हम पेंट, एक प्रोग्राम होता है पेंट, अभी बताऊंगा, इस आने वाले लेक्चर्स में पेंट के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, एक्सेल की फाइल खोल सकते हैं, पावर पॉइंट खोल सकते हैं, आप ये सारे ऑप्शंस कोई नया आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। तो हमने नया फोल्डर या कोई नई फाइल डेस्कटॉप पे बनानी सीख ली। अब देखते हैं कि इनको मूव कैसे किया जाए। मान लीजिए मुझे ये सारे के सारे जितने भी हैं इन सबको ITI के फोल्डर में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और उसको ड्रैग करूंगा इन सारे आइकन्स के ऊपर, ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको पिक करके और ड्रैग करके इस फोल्डर में डाल दूंगा। कुछ फाइलें खुली हुई हैं तो वो नहीं जाएंगी, बाकी जितनी भी फाइल्स जो नहीं खुली हुई हैं डेस्कटॉप पे वो सारी इस फोल्डर के अंदर आ गई, ये सारी फाइल्स अब इस फोल्डर के अंदर हैं। ये वाला जो फाइल है वो क्यों नहीं आई, क्योंकि वो यहाँ पर कहीं खुली हुई होगी, ये है वो फाइल, इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये फाइल भी इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। बाकी जिस जिस को मैं इस फोल्डर में डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ये सारी फाइल्स मेरी अब इस फोल्डर के अंदर है। तो हमने ये भी समझ लिया कि वर्क स्पेस में हम फाइल्स को कैसे मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी तरीका है इन फाइल्स को इस फोल्डर में लाने का। हम क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल्स हमें लानी है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू बार खुलेगा, उसमें कॉपी का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इस फोल्डर में जाके हम उसको फिर माउस के राइट बटन को क्लिक करके और फिर हम इस पर पेस्ट कर देते हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स इस फोल्डर में आ सकती हैं और फिर इस फोल्डर को हम पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं। सो ये सारे तरीके हो सकते हैं। हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली विंडो है जिसको हम डेस्कटॉप कहेंगे। किसी भी फाइल का आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको लगता हो कि वो ठीक है, आपको याद रहेगा वो नाम। उसकी लोकेशन जरूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप पे उसको सेव करें, आप हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ये जो ड्राइव आपको यहाँ मिल रही है, ये जो ड्राइव हैं इसमें आप कहीं भी उनको सेव कर सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको माई कंप्यूटर, नेटवर्क और रिसाइकिल बिन, ये आइकन डेस्कटॉप पे मिलते ही हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो ये आइकन आपको डेस्कटॉप पे जरूर डाल के देगा। इसके बाद जितने भी आइकन्स आपको यहाँ पर चाहिए, जिनको आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं, वो आप अपनी सहूलियत अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को समअप कर देते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है कंप्यूटर ऑन होने के बाद, उसको हम डेस्कटॉप कह रहे हैं। उस डेस्कटॉप में दो हिस्से होते हैं, ऊपर की जो बड़ी स्क्रीन है उसको वर्क स्पेस कहेंगे और नीचे की जो एक पट्टी है उसको टास्क बार कहेंगे। लेफ्ट साइड पे स्टार्ट का बटन होता है और टास्क बार पर जितने भी इस समय प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स आपके एक्टिव हैं, जिनमें आप काम कर रहे हैं,
चाहे वो भले ही नीचे आपको दिखाई ना दे रहे हों, उसको मिनिमाइज कहना करना कहते हैं, ये मिनिमाइज हो चुके हों, लेकिन तब भी ये अभी एक्टिव है। जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देंगे, सेव नहीं कर देंगे, तब तक ये एक्टिव रहेंगे। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स इस समय और सॉफ्टवेयर एक्टिव हैं, वो सब आपको इस टास्क बार पे दिखाई देंगे। इसके अलावा हमने ये जाना कि कोई नया फोल्डर या कोई नई फाइल अगर हमें क्रिएट करनी हो तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। माउस के राइट क्लिक से जाके न्यू में जाके हम अपने पसंद का जो भी हमें फोल्डर बनाना है या जो भी फाइल बनानी है, हम उसको यहाँ पर बना सकते हैं, उसका कोई नाम दे सकते हैं, उसके बाद उसमें काम करके उसको सेव कर सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि अगर कोई फोल्डर यहाँ पर या कोई फाइल है जिसको हमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना है, तो हमें सिंपली उसको क्लिक करके और ड्रैग कर देना होता है, वो नई पोजीशन पे चली जाती है। तो बच्चों, ये है आपके विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी पहली स्क्रीन जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।